उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 के तहत मेला संयोजक घनश्याम ओझा और लघु उद्योग भारती अध्यक्ष महावीर की मौजूदगी में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 24 जनवरी को रावण चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा और इसी को लेकर आर्टिजन और हस्तशिल्पियों में उत्साह देखा जा रहा है। उत्सव के आयोजन से पहले ही लगभग स्टॉल्स बुक हो चुकी है। वहीं इस बार मेले को लेकर भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उत्सव जो है 4 फरवरी तक चलेगा। वहीं आपको बता दें, उत्सव के आयोजन की नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेला संयोजक घनश्याम ओझा ने हमें बताया कि इस मेले में एक ही प्रांगण में सभी तरह के उत्पाद मिलते हैं और हस्तशिल्पियों और छोटे छोटे आर्टिजन्स को भी अपने उत्पादों की बिक्री का मौका मिलता है। लघु उद्योग भारती के जोधपुर प्रांतीय अध्यक्ष और मेला समन्वयक श्री महावीर चोपड़ा ने बताया कि सभी स्टॉल्स बुक की जा चुकी है और अभी भी लगातार स्टॉल्स बुकिंग को लेकर आवेदन मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो मेला है व्यवसाय एक दृष्टि से नहीं बल्कि छोटे छोटे उद्यमी और आर्टिजन को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आयोजन कमेटी के सह समन्वयक दीपक माथुर के मुताबिक इस बार मेले में मजबूत और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वहीं मेले में कुल 15 अलग अलग डोम बनाए गए हैं और लगभग 637 अलग अलग साइज की स्टॉल्स भी स्थापित की गई है। वहीं बता दें, मेले में डोम के अलावा भी अन्य उपयुक्त स्थलों पर छोटी छोटी स्टॉल्स भी लगाई गई है। इस बार मेले में महिला आर्टिजन को भी बढ़ावा देने के लिए एक डोम जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। मेले में 637 स्टॉल्स में से 200 स्टॉल्स केंद्र और प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए भी आरक्षित की गई है, जिनमें मुख्य रूप से EPCH, DC, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, नाबार्ड, केंद्रीय जूट बोर्ड और केंद्रीय ऊन बोर्ड भी शामिल है। का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला पश्चिमी स्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024, इसकी भूमि पूजन आज यहाँ हो रहा है और ये मेला 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक होने वाला है। इसमें 700 से अधिक अपने हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी बंधु, आर्टिजन, कलाकार, ग्राम शिल्पी देश के विभिन्न शहरों से आकर इसमें अपनी शिरकत करेंगे। लघु उद्योग भारती को ये मौका पहली बार मिला जो वो स्वतंत्र रूप से इस काम को कर रही है और लघु उद्योग भारती का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य इस काम को में लगा हुआ है कि मेला भव्य हो और लोग यादगार इसको याद रखें। चूँकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जोधपुर पधार रहे हैं, तो हमारा ये भी रहेगा कि उनको एक जोधपुर की अच्छी इमेज वो लेके जाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस अभी देश में भगवान राम का बोल है, पूरी तरह से राममय देश बना हुआ है और निश्चित रूप से सनातन संस्कृत का इस प्रकार से उदय हो रहा है, तो हम 22 तारीख को भगवान रामलीला भी अपने गर्भ का विराजमान होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस मेले की थीम भी राममय रखी है।